बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। शो में हम आपको बताते हैं बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या हुआ आपकी स्ट्रेटजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। नमस्कार, मैं हूं स्वाति रायना और मेरे साथ कल के लिए आपकी तैयारी कराने के लिए जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। अनिल जी, आपका बहुत स्वागत है शो में। साथ ही आज के हमारे खास मेहमान हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। पूरी रिसर्च टीम है मेरे साथ। दीपांशु भंडारी हमें बताएंगे मार्केट का पूरा एक्शन, स्क्रैपिट पॉलिसी की डिटेल्स बताएंगे हमें कुशल गुप्ता। संदीप से जानेंगे वायरस के संकट के समय विश्व के बाजारों की कैसे रहती है चाल। साथ ही देवांशी आशर हमें बताएंगे यूरोप में कोरोना का बढ़ता असर, और मानसी दवे हमें बताएंगे इंडियन होटल्स में तेजी के ट्रिगर्स। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज बाजार में कैसा रहा कारोबार। तो लगातार कोरोना वायरस का डर बाजार पर हावी रहा है। लगातार तीसरे दिन बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी आज 4.5% की गिरावट के साथ 11,800 के नीचे जाकर बंद हुआ। सेंसेक्स की बात करें तो करीब 100 अंकों की कमजोरी यहां पर नजर आई। निफ्टी बैंक मामूली गिरावट के साथ 30,450 के नीचे बंद हुआ। और सबसे ज्यादा बाजार पर जिस सेगमेंट ने दबाव बनाने का काम किया वो रहा मिड कैप सेगमेंट, जहां पर 4.5% से ज्यादा की कमजोरी देखी गई। और आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं आज संस्थागत निवेशकों ने कितनी खरीदारी या फिर बिकवाली की है। सबसे पहले एफआईआई डेटा पर नजर डाल लेते हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में आज 2,315 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं डीआईआई यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने आज 1,565 करोड़ रुपए की खरीदा। बाजार पर सबसे पहले जानते हैं एडिटर स्टेक अनिल जी आपके पास आ रहे हैं। कल एक्सपायरी से पहले वाला ट्रेड होगा और आज के बाजार का माहौल अगर देखा जाए तो क्या आपको लगता है कल बाजार की चाल कैसी रहेगी? आज रात अमेरिका में मैक और ब्रेक वाला सेशन होगा। जी हाँ, 3 दिनों तक डाउ लगभग 1,350-1,400 पॉइंट लुढ़क चुका है और आज जब हम बंद हुए तब डाउ फ्यूचर्स मामूली से 50-75 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे थे। ठीक है, तो अब अमेरिकी बाजारों में आज बढ़िया तेजी बनती है या अच्छी कमजोरी के साथ बंद होते हैं? आमतौर पर 3-4 दिन डाउ गिर जाए और अच्छा खासा गिर जाए तो रिकवर करने की कोशिश करता है। तो अगर आज एक अच्छी रिकवरी अमेरिकी बाजारों में हो गई और कल सुबह सुबह फिर कोई बड़ी खबर कोरोना को लेकर खराब सुनने को ना मिले, तब तो एक शॉर्ट कवरिंग खरीदारी बाजारों में आ सकती है। 11,800 के आसपास हमने एक अच्छा सपोर्ट आज भी लिया है। ऐसा नहीं कि उसके नीचे नहीं गए, इसलिए काफी वक्त ट्रेड भी किया, क्लोजिंग उसके आसपास ही हुई है, तो कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसे में ग्लोबल संकेत ठीक मिल गए अमेरिका से और कल एशिया से कोई खास खराब खबर ना सुनने को मिले तो फिर आप एक्सपायरी के पहले 11,900-11,925 तक जाने की कोशिश कल कर सकते हैं। और फर्ज करें इसके विपरीत हो, अमेरिकी बाजार लगातार चौथे दिन अच्छे खासे गिरे, कोरोना का डर तो है ही, अभी भी खबरें बुरी जो आ रही है वो खत्म तो हुई नहीं है, बंद तो हुई नहीं है, तो ऐसे में अगर अमेरिका तेजी से गिर जाए तो फिर कल हमारे लिए है ना मामला मुश्किल हो जाएगा। फिर आप 11,700 की तरफ एक्सपायरी होते हुए देखेंगे, नीचे की जगह और खुल जाती है। कमजोर तो हम हैं ही, और ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। बिकवाली एफआईएस की भी हो रही है। ऐसे में सिंपल है कि आज रात अमेरिका का सेशन काफी हद तक डिसाइड करेगा कि हमें एक्सपायरी के पहले कल और परसों किस तरह का ट्रेंड दिखाना है। आमतौर पर होता यही है कि जो एक्सपायरी के हफ्ते के पहले दिन सोमवार को जो ट्रेंड हुआ वो हफ्ते भर लगभग बरकरार रहता है। आज भी हमने देखा ऊपरी स्तरों से बिकवाली लगातार आ ही रही है, कोई अच्छा खासा सपोर्ट ऊपर लेवल पर बाजार ले नहीं पा रहा है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, ऊपरी स्तरों पर 30,700-30,800 की रेंज में आकर हम अटकने वाले हैं। वो नीचे 30,350-30,400 कल के लिए सपोर्ट रहेगा, उसके नीचे फिसलते तो 30,000 तक का रास्ता खुलता है। तो इंटरेस्टिंग है ट्रेड, और देखते हैं एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले आज जो वोलेटिलिटी हुई वो बरकरार कल भी रह सकती है। जी अनिल जी, आपके पास एक बार फिर से आएंगे, जानेंगे कल स्पेसिफिकली हमें कहां पर नजर रखनी चाहिए बाजार में। और संदीप जी आपके पास भी आएंगे और जानेंगे कि ये जो पूरा कोरोना वायरस का कहर दुनिया भर के बाजारों पर नजर आ रहा है तो ऐसे में कल कौन से स्पेसिफिकली स्टॉक पर नजर रहनी चाहिए। लेकिन उससे पहले दीपांशु, मैं आपके पास आ रही हूं, आज बाजार में कौन सी ऐसी खबर थी जिसके चलते सेक्टर स्पेसिफिक सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला है?
दायरे में रहे भारतीय बाजार, बट काफी वॉलेटाइल ट्रेड था। अगर स्टॉक मूवर्स की बात करें तो बड़ी बिकवाली देखने को मिली, जहां तक डॉक्टर रेड्डीज का सवाल है, कल भी ये स्टॉक प्रेशर में था। वहीं हिंडाल्को, जहां इस स्टॉक में कल लगभग 3-4% की गिरावट थी, आज भी प्रेशर में ही रहा। सन फार्मा में एक बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला, वहीं आइशर मोटर्स में भी बिकवाली का दबाव रहा। सपोर्ट मिला मार्केट को टीसीएस की तरफ से, लार्ज कैप में बाइंग की वजह से थोड़ा डाउनसाइड सपोर्ट मिला। वहीं अगर आप देखें तो मेटल स्टॉक्स में आज थोड़ा रिबाउंड था, जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील एक्शन में रहे, और एसबीआई कार्ड्स आईपीओ आने से पहले एसबीआई में भी थोड़ा सपोर्ट देखने को मिला। फार्मा सबसे वीक सेक्टर रहा, बायोकॉन इनकी जो यूनिट की इंस्पेक्शन हुई थी उसमें जो फॉर्म 483 मिला उसकी डिटेल्स हैं, इसके चलते चलते ये स्टॉक प्रेशर में रहा। ग्लेनमार्क फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज और सन फार्मा, यहां पर भी बड़ी बिकवाली रही। ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी आज दबाव था, अदानी गैस में आज हमने प्रेशर देखा, ऑयल इंडिया नीचे गिरा, गेल 115 के नीचे गया आज ट्रेड में, और रिलायंस इंडस्ट्रीज में भारी बिकवाली थी, इसकी वजह से मार्केट्स पर भी दबाव बना रहा। ऑटो स्टॉक्स की बात करें तो अशोक लेलैंड में आज दबाव देखने को मिला, ग्रीन से रेड में ये स्टॉक बंद हुआ, स्क्रैपेज पॉलिसी और नेगेटिव डेवलपमेंट की वजह से ये स्टॉक प्रेशर में था। जो कोरोना वायरस की यूरोप में चिंता है, वहां से आइशर मोटर्स पर फर्क पड़ा, मारुति सुजुकी और बजाज ऑटो भी प्रेशर में रहे। पर आईटी स्टॉक से आज अच्छा सपोर्ट मिला, मिड कैप आईटी में अच्छा बाइंग का ट्रेंड मिला, 3% से ज्यादा की गेन माइंट्री में देखने को मिली। वहीं एनआईटी टेक, टीसीएस और हेक्सावेयर भी आज अच्छे एक्शन में रहे। तो एक्शन में कौन से स्टॉक्स रहे, दीपांशु से हमने जाना, लेकिन संदीप जी, जैसा कि अनिल जी भी कह रहे थे कि कोरोना वायरस का डर लगातार बाजारों पर हावी है, और लगातार हमने देखा कि तीसरे दिन गिरावट का दौर भी जारी रहा। ऐसे में स्पेसिफिकली अगर हम कल की बात करें तो निवेशकों या जो जिनको इंट्राडे कॉल लेनी है, वहां पर आप कहां पर नजर रखने की सलाह देंगे, आपकी इंट्राडे पिक कौन सी रहेगी? या बिल्कुल, देखिए सर्टेनली बहुत सही कहा कि कोरोना वायरस का डर भी है, डाउ जोन्स मेक और ब्रेक लेवल पे है, अनिल जी ने सब कुछ एनालिसिस दी है। ट्रंप विजिट से भी कोई बहुत बड़ा एक्साइटमेंट या बिग बैंग अनाउंसमेंट्स कुछ देखने को या सुनने को मिला नहीं है। एफआईआईज आज अच्छे सेलर्स रहे हैं मार्केट में, फ्यूचर्स में लेके ऑप्शंस में सेलिंग की है और कैश मार्केट में भी सेलिंग है, तो मुझे लगता है कि कॉशियस रहना चाहिए। और उसी के लिए मैंने एक जो लार्ज कैप, जनरली मैं मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स और थोड़े अलग टाइप के नाम लेके आने की कोशिश करता हूं, बट आज मैंने एकदम सेफेस्ट बेट, इजिएस्ट बेट और डिफेंसिव सेक्टर से लाया हूं। डिफेंसिव का मतलब कि जैसे आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, ये थोड़े सेक्टर्स चलते हैं जब मार्केट में इस तरीके का पैनिक रहता है, और मार्केट हो सकता है कि 11700 की तरफ भी चला जाए, जिस तरीके से 2-3 दिनों से जो कहर मची हुई है। तो इन्फी इंट्राडे के हिसाब से मैंने स्टॉक चुना है, और मेरे हिसाब से 820 तक के टारगेट के लिए स्टॉक को लिया जा सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि करेंसीज में भी ये वीकनेस एक आनी चाहिए, तो डॉलर जब मजबूत होता है तो सर्टेनली इन कंपनियों को फायदा होता आने वाले दिनों में। और दूसरा जो मैंने पोजिशनल के हिसाब से चुना है वो है ब्लू स्टार कंपनी, वो भी एक अगेन सेफ बेट भी है और सीजनल बेट भी मान सकते हैं आप, और 830 के लगभग क्लोजिंग हुई थी आज, और 890 के टारगेट के लिए स्टॉक को लेना चाहिए और 795 का स्टॉप लॉस। ओके, तो संदीप जी ने अपना इंट्राडे पिक बताया इन्फोसिस, जिसमें खरीदारी की सलाह दी है उन्होंने। अगर आपका नजरिया एक दिन का है, कल की बात हो रही है, और अगर हफ्ते भर का नजरिया है, पोजिशनल व्यू के तौर पर उन्होंने ब्लू स्टार में खरीदारी की सलाह दी है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, और खबरों के दम पर हमने देखा कि स्क्रैपेज पॉलिसी की खबर आने के बाद आज ऑटो कंपनी को कैसे बड़ा झटका लगा। अब क्या मायने हैं ऑटो कंपनियों के लिए इसके, हमारे साथ हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता जुड़ रहे हैं। कुशल, बताइए जरा स्क्रैपेज पॉलिसी से क्या उम्मीदें थी ऑटो सेक्टर को और क्या मायने हैं इस खबर के? देखिए, ये एक्सपेक्टेशन मिसमैच का मामला बना है। इनफैक्ट स्क्रैपेज पॉलिसी, मार्केट जो पहले मानकर चल रहा था कि इनमें ये चीजें आएंगी, वो नहीं आती हुई दिख रही हैं सूत्रों के हवाले से, ये खबर हमें पता चल रही है। और सबसे पहला पॉइंट इसमें यही है कि 15 साल से पुरानी, ज्यादा पुरानी जो गाड़ियां हैं उन पर रोक नहीं लगेगी, ऐसा सूत्र बता रहे हैं, और मार्केट ये मानकर चल रहा था कि ये ऑफ रोड हो जाएंगी। दूसरी बड़ी एक्सपेक्टेशन ये थी कि स्क्रैपेज पॉलिसी में सरकार जो है कुछ ना कुछ छूट देगी, जो भी नए खरीदार होंगे अपनी पुरानी गाड़ियां स्क्रैप करके उनको जो बेनिफिट मिलना था सरकार की तरफ से, वो अब नहीं हो सकता है आए। और मार्केट जो ये मान के चल रहा था कि कहीं ना कहीं 50% तक एक्साइज ड्यूटी माफ की जा सकती है, उस पर डिस्काउंट दिया जा सकता है, तो वो जो इम्पैक्ट है जो मिसमैच का, वो आज आपको तमाम ऑटो स्टॉक्स में देखने को मिला। पर्टिकुलरली अगर एमएसटीसी को देखें
तो 10% का ऊपरी सर्किट लगाने के बाद 10% लोअर सर्किट पर बंद होता हुआ नजर आया। साथ ही अशोक लेलैंड में भी 4-5% की गिरावट आज के सत्र में देखने को मिली। टाटा मोटर्स और महिंद्रा पर भी आपको आज इम्पैक्ट देखने को मिला। तो ये ओवरऑल जो इम्पैक्ट आया है वो कहीं ना कहीं ऑटो कंपनियों के लिए एक दिक्कत का कारण बना आज के सत्र में, ओवरऑल अगर आप मार्केट्स के लिहाज से देखें। और साथ ही कोरोना वायरस की वजह से जो चिंताएं चली रही थी मार्केट्स में, उसका इम्पैक्ट भी आपको ऑटो सेक्टर में आज ओवरऑल देखने को मिला। ओके, तो ऑटो कंपनियों के लिए डबल झटका कोरोना वायरस के बाद जो ये स्क्रैपेज पॉलिसी की खबर थी। ऐसे में अब जिन कुछ स्टॉक्स की बात की है कुशल ने, संदीप जी, जिसमें अशोक लेलैंड हो गया, M&M है, टाटा मोटर्स, इनकी अगर बात की जाए तो स्पेसिफिकली इन शेयरों में अब करना क्या चाहिए? नहीं देखिए, अशोक लेलैंड सर्टेनली एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी के रूप में आ रहा था कि कोई भी स्क्रैपेज पॉलिसी आती और बार बार ये पहले ही मूव दे रहा था। और इनफैक्ट देखिए पिछले 2-3 दिनों में अशोक लेलैंड ने अच्छा परफॉर्म भी कर रहा था और आज अच्छा खासा करेक्शन दिया है। टाटा मोटर्स में वैसे ही मुझे बहुत ज्यादा कोई कन्विक्शन आता नहीं है, बट यस, स्क्रैपेज पॉलिसी में अगर ये जो सारे प्रावधानों के बारे में जो बताए गए और वो नहीं आते हैं तो सर्टेनली मार्केट इसको थम्स डाउन तो देगा। और मेरे हिसाब से ये सारी कंपनियां, भले M&M हो, बहुत ज्यादा कोई एक्साइटमेंट है नहीं, इससे ही कोई एक्साइटमेंट आने की बात थी। तो मुझे लगता है कि बाइंग की राय तो बिल्कुल इन स्टॉक्स में अभी नहीं है, बट अशोक लेलैंड फिर भी मुझे ऐसा लगता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और ये सब को लेकर कुछ वहां पे ट्रैक्शन बनेगा और लेवल्स अच्छे हैं तो थोड़ा नीचे आए तो वहां पे लेने की कोशिश करेंगे। तो अशोक लेलैंड गिरावट में खरीदारी की जा सकती है, संदीप जी कह रहे हैं। बाकी M&M हो गया, टाटा मोटर्स है, उसमें फिलहाल खरीदारी नहीं की जाए तो बेटर है, ऐसा संदीप जैन का कहना है। संदीप जी, चर्चा आपसे जारी रहेगी क्योंकि बात कोरोना वायरस की हो रही है। हमने देखा कि कैसा असर अब चीन से निकलकर यूरोप में भी दिखाई देने लगा है, तो किन कंपनियों पर सबसे ज्यादा असर हम देख रहे हैं? बताने के लिए रिसर्च एनालिस्ट देवांशी अशर हमारे साथ है। देवांशी, किन कंपनियों पर कोरोना का सबसे ज्यादा असर दिखाई दे रहा है, बताएं। जी बिल्कुल, जैसे कि आप कह रहे हैं कि कोरोना वायरस से जो चिंता है वो लगातार बढ़ती हुई दिख रही है और कई ऐसे देश हैं जिसमें अब कोरोना वायरस ज्यादा फैलता हुआ दिख रहा है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो डेथ टोल है वो काफी बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो ऐसे कई देशों में, जो एक जगह है वो यूरोप भी है और यूरोप के कई देशों में हम देख रहे हैं सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जरूर आता हुआ दिख रहा है। अगर उत्तर इटली की बात करें तो वायरस के फैलने की वजह से लॉकडाउन होता हुआ दिख रहा है और 10 से ज्यादा शहरों में हमने देखा कि लॉकडाउन हुआ है, तो इससे हम देख रहे हैं कि यूरोप में ओवरऑल सेंटिमेंट्स काफी ज्यादा नेगेटिव होते हुए दिख रहे हैं। और ऐसी काफी कंपनीज हैं, भारतीय कंपनीज, लिस्टेड प्लेयर्स हैं जिनका एक अहम हिस्सा आय का यूरोप से आता है, तो ऐसी काफी कंपनीज हम आपको बता रहे हैं जिसमें आपको थोड़ा सा एक वार्निंग साइन के तरीके से लेना चाहिए, सेंटिमेंट्स इन सारी कंपनीज का थोड़ा सा खराब होता हुआ दिख सकता है। मदरसन सुमी, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, अपोलो टायर्स, टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा जैसी कंपनीज हैं जिसमें मेजर आय जो है ये यूरोप कारोबार से आते हुए दिखती है। मदरसन सुमी 40% से ज्यादा का जो आय है वो यूरोप कारोबार से आती है। साथ ही बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो करीब 45-50% का जो कुल आय में कंट्रीब्यूशन है वो हम देख रहे हैं विदेश से है, और इसमें भी यूरोप का जो जिस तरह से कंट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा ज्यादा है। अपोलो टायर्स यूरोपियन कारोबार करीब 30-32% का कंट्रीब्यूशन देती है ओवरऑल रेवेन्यूज में। टाटा मोटर्स भी 30% से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन है यूरोप कारोबार से। टेक महिंद्रा भी हमने देखा है करीब 30% का जो टोटल हिस्सा है वो यूरोप कारोबार से आता है। यही नहीं, कुछ ऐसी दूसरी भी कंपनीज हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि करीब 5-10% के जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो यूरोप कारोबार से आते हैं, यानी कि टाटा स्टील हो गया, टाटा एलेक्सी, फर्स्ट सोर्स, मास्टेक जैसी कंपनीज हैं जिन पर आपको नजर रखनी है। और हो सकता है कि सेंटिमेंटल इम्पैक्ट, ये यूरोप का जो सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है वो इन कंपनीज में भी देखने को मिल सकता है। तो रिसर्च आपने देखी देवांशी की, कहां कहां पर कोरोना का असर कौन से सेक्टर पर, स्पेसिफिकली कौन से स्टॉक पर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट एक और रिसर्च हम दर्शकों के लिए लेकर आए हैं, संदीप ग्रोवर हमारे साथ है इस पूरी रिसर्च के लिए, क्योंकि जो कोरोना वायरस का असर है चीन तक सीमित नहीं रहा है, दुनिया भर के बाजारों हमने देखा इसका असर दिखाई देने लगा है, लेकिन आमतौर पर ऐसे संकट के वक्त बाजार रिएक्ट कैसे करता है, ये रिसर्च हम आपके लेकर आए हैं। संदीप ग्रोवर, आप हमें बताएं, जब भी ऐसा कोई संकट आता है जो हमने देखा कोरोना के समय, अब बाजार रिएक्ट कैसे करता है, रिसर्च क्या कहता है? देखिए, अब तक के इतिहास में
करीब 6 बार ऐसा हुआ है कि बड़े बड़े वायरस अटैक्स हुए हैं और उसका जो इम्पैक्ट है ग्लोबली हमने मार्केट पे समझने की कोशिश करी। ये जो 6 मामले हैं जिसमें सार्स के साथ शुरुआत हुई थी जनवरी मार्च 2003 में, हमने पहले अमेरिकन मार्केट्स के ऊपर जो इसका इम्पैक्ट हुआ वो समझने की कोशिश करी। 6 में से 6 बार आप देखिए मार्केट्स के ऊपर नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिलता है। अगर आप 2003 की बात करें तो करीब 13% के आसपास S&P 500 गिरा था, 2004 और 2012 में करीब करीब 7% के आसपास का ड्रॉप था, 6% 2014 में, 13% जीका वायरस जब 2016 में आया था तब की बात है, और अभी जो कोरोना वायरस का मामला चल रहा है जब से जनवरी से शुरू हुआ है करीब करीब 2.25% के आसपास की गिरावट अमेरिकी मार्केट यानी कि S&P 500 में देखने को मिल चुकी है। अब इंपॉर्टेंट ये है समझना कि हमारे मार्केट्स कैसे रिएक्ट करते हैं जब ऐसी ग्लोबली पिक्चर बनती हुई दिखती है। सेंटीमेंट बिगड़ता है, जाहिर सी बात है ज्यादातर केसेस में इंडियन मार्केट्स में भी हम देखते हैं कि जब भी वायरस फैलता है दुनिया भर में या कुछ ऐसा होता है तो इंडियन मार्केट्स भी उसके ऊपर नेगेटिव रिएक्ट करते हुए दिखते हैं। 6 में से 4 बार ऐसा हुआ है कि निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। 2003 में 11% गिरा था, इसी तरह 2004 में आप देखिए करीब 15% के आसपास का ड्रॉप था, 13% आप देखिए 2016 में जब जीका वायरस आया था तब की बात है, और अब जो कोरोना वायरस का मामला जब से शुरू हुआ है हम भी निफ्टी में करीब 2% के आसपास की गिरावट ऑलरेडी झेल चुके हैं। 2 बार ऐसा हुआ है, एक 2012 में जब 12% हम चले थे और 2014 में जब करीब 1.5% के आसपास का अपमूव निफ्टी ने दिखाया था। ये कुछ एक्सेप्शनल मूव्स हैं लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मेजॉरिटी केसेस इसी तरह के हैं कि जब जब दुनिया में वायरस को लेकर सेंटीमेंट बिगड़ता है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो इंडियन मार्केट्स में भी नेगेटिव साइड पर देखने को मिलता है। तो काफी इंटरेस्टिंग रिसर्च संदीप ने हमें बताई है वायरस और बाजार को लेकर कब कब कैसा जो इम्पैक्ट है वो बाजार पर देखने को मिला है। संदीप जी, माना यह जा रहा है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी वायरस का जो इफेक्ट है वो कम होता जाएगा, एक जो जानकार है उनका ये मानना है। अब ऐसा अगर हुआ तो आने वाले समय में बाजारों पर आप कैसा इम्पैक्ट देखते हैं? नहीं देखिए, कम तो होना चाहिए बट सर्टनली देखिए एक पैंडेमिक की तरह हो रहा है और दूसरी कंट्रीज में भी जा रहा है। हर बार थोड़े थोड़े दिनों में ऐसी न्यूज आती है कि कंट्रोल में आ रहा है बट अब दूसरी कंट्रीज में गया तो देखिए इटली और यूरोपियन कंट्रीज में गया है तो सर्टनली उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट कल देखने को मिला, किस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट्स में और इवन डाउ जोन्स किस तरीके से करेक्ट किया है। सो लेट्स सी, बट आगे आने वाले दिनों में अगर टेम्परेचर का सर्टनली फर्क पड़ता है कि अगर गर्मी आती है तो ये धीरे धीरे अपने आप ही थोड़ी थोड़ी सबसाइड हो जाएगी। बट जो एनालिसिस संदीप जी लेके आए वो वाकई में बहुत जबरदस्त है, क्योंकि मैं जीका वायरस की याद है मुझे जब फरवरी 2016 तक जो मार्केट्स टूटे थे और किस तरीके से सारे वायरसेस के बाद जनरली अच्छा खासा क्रैक आया है, तो ऐसा नहीं कि बहुत रिलैक्स्ड होके हम भी अभी इस पर्टिकुलर वायरस के बाद देख ले, क्योंकि अभी भी 2.5-3% ही सारे मार्केट्स टूटे हैं और अगर 5% तक भी टूटना हो तो यहां से निफ्टी आगे भी जा सकता है। सो लेट्स सी 11700 पे कल सपोर्ट लेता है यानी मार्केट, और किस तरीके से आज डाउ जोन्स जो मेक और ब्रेक की बात है वो किस तरीके से लेते हैं उस पर पूरी नजरें बनी रहेगी। बिल्कुल संदीप जी, वेरी क्विकली जैसा दिवांशी हमारे रिसर्च लेकर आई थी कि कैसे अब जो असर है यूरोप तक भी फैल रहा है कोरोना का, अब इसमें स्पेसिफिकली टेक महिंद्रा, टाटा एलेक्सी, बालकृष्ण इंडस्ट्री, अपोलो टायर्स की जब बात हुई, क्योंकि इन कंपनियों का यूरोप में आय का हिस्सा 30% से ज्यादा है, स्पेसिफिकली इन स्टॉक्स में क्या करने की सलाह देंगे आप? देखिए यूरोपियन कंपनीज और ये जो भी FSL, टाटा एलेक्सी, टैमो, टाटा मोटर्स, फिर मदरसन सुमी, इन सब पे आज हालांकि कुछ पॉजिटिव में थे बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये सब रिएक्ट करेंगे मार्केट्स में, और ओवरऑल जब माहौल इस तरीके का हो रखा है मार्केट में तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ रिएक्शन तो जरूर देखने को मिलेगा। और मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स वैसे ठीक चल रहे थे बट अब आज भी देखने को मिला कि बहुत ज्यादा वो नहीं था, और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज एक अच्छा परफॉर्मर रहा है तो वहां पर भी फर्क पड़ेगा। सो लेट्स सी किस तरीके से आता है, बट ओवरऑल कॉशियस रहने का समय है मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में भी और जो यूरोपियन कनेक्शन रखते हैं उनसे भी। अब वक्त है कल के लिए बाजार पर स्ट्रैटेजी जानने का। अनिल जी आपके पास एक बार फिर से आ रहे हैं, कोरोना का असर लगातार बढ़ता जा रहा है जैसे आपने शुरुआत में भी कहा था, ऐसे में कल की स्पेसिफिकली बात आपसे करें तो कल किन सेक्टर से दूर रहना चाहिए? देखिए अभी इस वक्त है ना जो कंपनियां, सेक्टर से ज्यादा मैं कंपनियों की बात करूंगा कि वो कंपनियां जिनका अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ज्यादा कारोबार है, जिनका कारोबार ऐसी जगह जहां कोरोना के खतरे ज्यादा है वहां से दूर रहना है। पहले तो देखिए जब तक कोरोना की टेंशन है तब तक मेटल्स ये सबसे मतलब है ना कमजोर स्टॉक्स हैं, मतलब ग्लोबल मार्केट गिरे सबसे पहले मेटल बेच दो, ये दिमाग ही नहीं लगाना, ये वैसा ट्रेड है। अब दूसरा ये ऑटो कंपनियां और ऑटो एंसिलरी कंपनियां जैसे कि टाटा मोटर्स, भारत फोर्ज, मदरसन सुमी, जिनका
चीन, यूरोप, अमेरिका, ऐसे देशों में कारोबार ज्यादा है। तो अब जैसे यूरोप में है ना खबरें आ रही, जैसे इटली है, इटली में बॉस फेल गया, मदर सिंसुमी का प्लांट इटली के नजदीक है। तो अब ये स्टॉक है ना थोड़े रिस्की हो जाते हैं, और अब जिस तरह से यूरोप में फैलने की दिक्कतें आ रही हैं, तो उन कंपनियों का जिनका कारोबार यूरोप में, टेक महिंद्रा वगैरह हो गए, तो इनसे थोड़ा सा आपको सावधान रहना है या खरीदारी करने की जल्दबाजी नहीं करनी है। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे जो खरीदना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उन कंपनियों में खरीदारी करनी है जिनका सिर्फ हिंदुस्तान से लेना देना है। हमारे यहाँ की कंपनियां यही प्रोडक्ट बनाती है, यही बेचती है, दुनिया भर के बाजारों से कोई लेना देना नहीं। वो कंपनियां खाने पीने वाली कंपनियां हुई, कंजम्पशन वाली कंपनियां हुई, बस FMCG कंपनियां हुई, वहीं फोकस करिए, वो सेफ है। देखिए बाजार गिरेंगे तो ये भी गिरेंगे, लेकिन फिर भी रिस्क इनमें कम है, क्योंकि ये बाहर के बाजारों पर डिपेंडेंट नहीं है, जो यहां के बाजारों पर निर्भर है। अगर आपको खरीदना यह भी कि मुझे खराब बाजार में कुछ तो खरीदना है, लेना ही चाहिए, तो फिर ऐसे स्टॉक्स लीजिए जिनका बिजनेस सिर्फ हिंदुस्तान में। जी बहुत शुक्रिया अनिल जी, कल के लिए स्ट्रेटजी बताने के लिए, हमारे साथ शामिल होने के लिए बाजार आज और कल में। लेकिन अब ऑप्शन की किस रणनीति से कल आपको मिलेंगे कमाई के मौके, ये बताते हैं। और आज ऑप्शन की स्ट्रेटजी बताने के लिए हमारे साथ है चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया। सुमित जी बहुत स्वागत है आपका शो में। कल ऑप्शन के जरिए कहां पर मौके बनेंगे? हाय स्वाति, गुड इवनिंग। कल ऑप्शन के जरिए दो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है ऑप्शन स्ट्रेटेजी, जिसमें एक बैंक निफ्टी में और एक स्टॉक स्पेसिफिक है। तो पहले इंडेक्स की बात करते हैं। दो दिन में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल गई है, अब यहाँ से कल एक पुल बैक और बाउंस बैक देखने को मिलना चाहिए। इसके लिए बैंक निफ्टी में 27 फेब वाला 3700 का कॉल लेने का सलाह रहेगा, 130-140 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 50 का, ऊपर में टारगेट होंगे 250-300 के। ओके, और स्टॉक स्पेसिफिक? और स्टॉक स्पेसिफिक हमें लगता है JSW स्टील के अंदर 265 का कॉल लेने का सलाह रहेगा, ₹2 या ₹2.40 के आसपास आज का क्लोजिंग था। JSW स्टील के 265 के कॉल पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी, ₹1 के स्टॉप लॉस से, और ऊपर में टारगेट बनेंगे ₹4 से ₹5 को। जी बहुत शुक्रिया सुमित हमारे साथ जुड़ने के लिए बाजार आज और कल में। और संदीप जी आपसे अब हम जानेंगे, लंबी अवधि का नजरिया अगर किसी का हो तो लॉन्ग टर्म पिक कौन से आप सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल, जैसे अनिल जी ने कहा कि डोमेस्टिक मार्केट्स में जिनका व्यापार है उन कंपनियों पर फोकस करना चाहिए, बहुत सही है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में जिस तरीके का ये कोहराम मचा हुआ है, तो उसके लिए मैंने एक ऐसा स्टॉक लाया हूं जो कि है FMEG सेगमेंट से, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स सेगमेंट से, केबल्स में है वो कंपनी, और वो है पॉलीकैब इंडिया। एक जबरदस्त बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया आईपीओ की लिस्टिंग के बाद, और मुझे लगता है कि जिन वैल्यूएशंस पे इतना बड़ा परफॉर्मेंस देने के बाद भी है अवेलेबल, वो काफी सस्ता है। और आप देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है, 22-23% से सीधा 28% तक जंप किया है, और रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 20% है। सेल्स की अगर ग्रोथ की बात करें अपन, तो 15-16% की कैगर से 3 साल की ग्रोथ आई है। फिर नेट प्रॉफिट्स भी करीब 38-39% के लगभग है, और दिसंबर का क्वार्टर वाज वेरी गुड। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपनी में बिल्कुल निवेश करना चाहिए, और यहां से कम मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में यह स्टॉक आराम से 20-25% का रिटर्न देगा। 1340 के टारगेट के लिए बिल्कुल इस स्टॉक को लेना चाहिए। ओके, तो लॉन्ग टर्म पिक के लिहाज से पॉलीकैब में खरीदारी की सलाह दी है संदीप जैन ने। संदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बाजार आज और कल में शामिल होने के लिए, साथ ही हमारे तमाम रिसर्च एनालिस्ट आप सबका बहुत थैंक यू शो में आज हम तक रिसर्च पहुंचाने के लिए। तो आज शो में बस इतना ही, कल आपसे होगी फिर से मुलाकात। बाजार का लाइव एक्शन देखने के लिए सुबह 7 बजे से देखिए जी बिजनेस।